भाई ये क्या आपको सांप पकड़ने का भूत सवार हो गया है? सांप नहीं है ये, महासांप है, एनाकोंडा। देखना मेरे प्राइवेट जू की शोभा बढ़ाएगा, इसीलिए तो हम लोग इंडिया से इतनी दूर आए हैं। या हम नहीं, सिर्फ आप। और अगर मुझे पता होता ना कि हम ये अमेज़न जंगल्स में एनाकोंडा पकड़ने आए, तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। पर एक्चुअली मैं भी नहीं आता। हाँ पता है पता है, पिछली बार जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे ना गैंडा पकड़ने, तब भी तुमने यही कहा था, लेकिन हमें मजा कितना आया था। हाँ क्यों लवण्या, तुम क्यों इतनी खामोश हो? We are stepping into forest now. Be careful. Okay? Okay. भाई, I don't know कि हम ये जो सब करने जा रहे हैं वो लीगली सही है भी या नहीं। यहाँ से सांप को पकड़कर इंडिया लेके जाना सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन केशव जगसिया के लिए सब कुछ पॉसिबल है। मैंने स्पेशल परमिशन ले ली है, बस एनाकोंडा पकड़ने की देर है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम यहाँ केशव के घर? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि ऑफिस में है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू नो वॉट, ये घर अब मेरा है और दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ठीक है आने दो केशव को, तुम्हारी छुट्टी कराता हूँ मैं। जाओ करवा लो मेरी छुट्टी। अमेज़न भी अमेजिंग है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। सब समझती हूँ, किससे बात करने के लिए इतनी बेचैनी हो रही है। इस दुनिया में दो ही अंतर्यामी हैं, एक ऊपर गॉड और दूसरी नीचे तुम, माय डियर वाइफ लवण्या। जब तुम्हें पता ही है तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? अनुराग पे भरोसा रखो प्रणाली, वो एक दिन स्पेस से जरूर बाहर आ जाएगा। आई होप सो अन्ना। एनाकोंडा, एनाकोंडा, स्टेप आउट, एनाकोंडा इज हियर। Stop it, Andy. और भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके इस क्रेजी मिशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। Neither me. मैं भी नहीं। इस आइलैंड पर हम लोग एक ही बोट से आए हैं। There is only one boat. इस आइलैंड पर आने और जाने का रास्ता सिर्फ बोट से है, और बोट सिर्फ एंडी को चलानी आती है, और जब तक मैं नहीं कहूंगा एंडी बोट नहीं चलाएगा, और जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इज दैट क्लियर? सॉरी गाइस, यू हैव टू बेयर विद अस।
Anaconda इधर ही कहीं है। Thank God, आज मेरा ultimate dream पूरा होगा। Come on. तुम लोग छिप जाओ अभी। दोस्त, तुझे अमेज़न से इंडिया लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। बॉस, इस एनाकोंडा को पनवेल वाले फार्म हाउस में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड। केशव भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ करसन भाई, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। नताशा। यस सर। लीजिए ये आपके आखिरी महीने की सैलरी है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप मुझे इस तरह काम से नहीं निकाल सकते। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपके पिताजी के जमाने से आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपने जगसिया खानदान की बहुत सेवा कर ली, इसलिए तो कह रहा हूँ आपके रिटायर होने का टाइम आ गया। आप अपने आप जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुला के आपको धक्के मार के। मुझे क्या धक्के मारेंगे आप? बखुद बखुद चला जाऊंगा। किसी के बहकावे में आकर मुझे निकाल रहे हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस सर। इस आदमी को यहां से बाहर निकालो। चलो। एक मिनट। और आप मुझे इस घर के आसपास फिर नजर आए ना तो मैं ये एनाकोंडा जो है ना तुम पर छोड़ दूँ। अरे एनाकोंडा मुझ पर क्या छोड़ेगा सांप? अरे ये सांप एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। आउट, आउट। ये जान ले लेगा तुम्हारी। पर दुआ मत ले। ओके बाय। तुमने करसन भाई को नौकरी से निकाल दिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकती हो। जा रही थी अपनी मम्मी के यहाँ, और इस बार मैं लौट कर वापस नहीं आने वाली। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें आने का इनविटेशन भेजने वाला नहीं। बाय। हाय डार्लिंग, क्या कर रही है?
दरवाजा कैसे खुला? एनाकोंडा कहाँ गया? क्या हुआ? लाइट नहीं जली? स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा क्या? ये फिल्म किसने चालू की? कौन है यार? फिल्म बंद हो गई? प्रोजेक्टर तो चालू है, ये कैसे हो गया? इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो, मैंने केशव को नहीं मारा है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, मैं ऐसे अरेस्ट नहीं किया तुमको, और जो भी फैसला होगा अदालत में। पाठक साहब, मैं गुस्सा जरूर था केशव से कि उसने मुझे बेवजह काम से निकाल दिया था, किंतु उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। एनाकोंडा को पिंजरे से मैंने नहीं निकाला है। किंतु करसन भाई, पुलिस को आपके घर से उस एनाकोंडा की खिचड़ी प्राप्त हुई है। वो किसी ने मुझे फंसाने के लिए रख दी होगी। पाठक साहब देखिए, पुलिस वाले तो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, पर कम से कम आप तो भरोसा कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है आप किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देते। इस केस के दौरान आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैं कसूरवार हूं, तो आप मुझे सजा जरूर दिलवाइए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। योर ऑनर, इस केस की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इंडिया के मशहूर बिजनेस टाइकून, जिनकी गिनती दुनिया के अमीरों में की जाती है, ऐसे मिस्टर केशव जगासिया, उनकी 13 जनवरी की रात को अपने ही घर में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उनको मार डाला गया, एक एनाकोंडा सांप से हमला करवा के। और ये करने वाला कोई और नहीं, उनके बरसों पुराने मैनेजर मिस्टर करसन कापड़िया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस को मिस्टर कापड़िया के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। योर ऑनर, सबसे पहले ये एनाकोंडा सांप की केचली जो करसन भाई के घर से पुलिस को बरामद हुई। तो क्षमा चाहता हूँ मिस दीक्षित, आपको टोक रहा हूँ। योर ऑनर, इस स्तर पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि करसन भाई के घर से सांप की केचली मिली है, किंतु कोई सांप नहीं मिला। मिस्टर पाठक, जहाँ पर केचली है वहाँ पर एनाकोंडा भी गया होगा ना? गया होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सांप की केचली करसन भाई के घर से मिली तो सांप वहीं गया होगा। अब सांप का क्या है, सांप तो अपनी केचली छोड़कर स्थान बदल लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को फंसाना चाहे तो वो केचली का उपयोग करके तो फंसा सकता है। योर ऑनर, मुझे लगता है इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, करसन भाई को इस आरोप में फंसाने के लिए उस केचली का उपयोग किया गया। मिस्टर पाठक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो केशव जी के थिएटर के दरवाजे पर और हाँ, इस लकड़ी पर जिससे उस सांप का केश तोड़ा गया था, उस पर से आपके मोक्किल के उंगलियों के निशान कैसे बरामद हुए? वो मुझे
कुछ नहीं पता कि कैसे। पर हमें पता है मिस्टर करसन कि उस रात आप मिस्टर केशव के घर गए थे। मिस दीक्षित की दलील में कठिनाई ये है योर ऑनर कि करसन भाई तो उस रात केशव जी के घर गए नहीं थे, गया कोई और ही था। और वो कौन था ये बताने के लिए मैं केशव जी के द्वारपाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। विलास भाई, जिस रात केशव जी की हत्या हुई उस रात आप ड्यूटी पर थे। जी सर। क्या आपने अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने का स्वर सुना, कोई अफरा तफरी ऐसी कुछ हुई? तब मैं पूरी रात वहाँ पर नहीं था। क्यों? आप तो ड्यूटी पर थे तो क्यों नहीं थे? वो फोन आया था। अंदर से फोन आया? जी। किसका फोन आया था? नताशा मैडम का। और उन्होंने मुझे कहा कि नताशा बोल रही हूँ, बॉस ने कहा है कि अब घर पे कोई नहीं आने वाला है, तुम घर लॉक करके अपने घर जा सकते हो। नताशा जी, विलास भाई ने अभी अभी जो बताया उसका अर्थ ये निकलता है कि आप उस रात को, हत्यावादी रात को, आप केशव जी के साथ थी। वो बॉस ने मुझे किसी अर्जेंट काम से बुलाया था, ऑफिस के काम से बुलाया था। ऑफिस के काम से आपको केशव जी ने रात 11 बजे घर पर बुलाया। देखिए, किस काम से बुलाया था या क्यों बुलाया था इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ योर ऑनर की उस रात, हत्या की रात को ये केशव जी के घर पर केशव जी के साथ थी, जिसका अर्थ ये निकलता है कि इन्हें उस रात क्या हुआ उसके घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी होगी। जानकारी है? नहीं योर ऑनर, एक्चुअली उस रात को मेरी मॉम का फोन आ गया था। यस मॉम, व्हाट? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बॉस, मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, चेस्ट पेन हो रहा है, घर पे कोई नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा, प्लीज। और मैं वहाँ से फौरन निकल गई थी जज साहब। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर हाँ, जाते वक्त मैंने देखा करसन भाई को मैंने जाते हुए देखा। जज साहब, केचली मेरे घर पे कैसे पहुंची इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, मैं उस रात केशव के घर जरूर गया था। केस के दौरान आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैं कसूरवार हूं, मुझे सजा जरूर दिलवाइए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। करसन भाई, कृपया अदालत को बताइए क्यों गए थे आप। जी, मैं केशव के घर गया था उसे समझाने के लिए। मैं यहां हूं। केशव बेटा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं यहां सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि नताशा के बहकावे में आकर मुझे काम से निकाल रहे हो उसका मुझे गम नहीं है, बस उसके चक्कर में अपना घर बर्बाद मत करो। तुम्हारी एक पत्नी मुझे सलाह, मेरा सिर्फ बाप देता था और इस वक्त तो इस दुनिया में नहीं है। गेट आउट। बेटा मेरी बात सुन। मैंने कहा ना, दफा हो जाए यहां से।
जिसका अर्थ ये निकलता है कि इसी प्रकार से इस लाठी पर और दरवाजे पर आपकी उंगलियों के निशान आए। जी। एक और झूठी कहानी और ऑनर, आप मिस्टर केशव के घर पर गए थे उन्हें मारने के इरादे से। तो मैं दीक्षित क्षमा चाहता हूँ, मतलब क्या कहना चाहती है, यूं ही ऐसे ही करसन भाई घर में घुस गए। योर ऑनर, करसन भाई और घर के बीच एक दरवाजा था, बंद दरवाजा। जिस बंद दरवाजे की चाबी इनके मुवक्किल के पास थी मिस्टर पाठक। जज साहब, दरअसल उसी दिन मुझे नौकरी से निकाला गया था, इसलिए मैं मिस्टर वो मिस्टर कापड़िया, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मिस्टर केशव जगासिया के घर की चाबी आपके पास थी या नहीं। जी हाँ, चाबी मेरे पास ही थी। That's it, your honor. केस अब आईने की तरह साफ हो गया है। इन्होंने घर की चाबी से वो घर के अंदर घुसे, और इतना ही नहीं, इन्होंने गार्डन में से एक बैम्बू स्टिक भी उठाया था जो लेकर वो घर के अंदर गए और फाइनली जब एनाकोंडा मिस्टर केशव को पूरी तरह निगल गया, करसन भाई उसे लेकर अपने घर चले। योर ऑनर, पुलिस को तलाशी के दौरान पता चला कि मिस्टर केशव के यहाँ से एक ट्रॉली गायब है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि करसन भाई ने उस एनाकोंडा को ट्रॉली पर लेकर वो अपने घर चले गए हैं। योर ऑनर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक सांप जिसने उसी समय एक पूरे मनुष्य को निगला, करसन भाई जैसे वृद्ध व्यक्ति उस सांप को हिलाकर उसे उठाकर और वहां से उसे मांस का लालच देकर ले जाए, ये बात मुझे हजम नहीं होती। हाँ, तो फिर वो रुके होंगे जब तक कि एनाकोंडा ने उस लाश को उगला नहीं और फिर उसे बहला फुसला कर लेकर गए होंगे। और एक भारी ट्रॉली जिस पर पहिए लगे हो, उसे तो ये धकेल ही सकते हैं, राइट मिस्टर पाठक? ए मिस दीक्षित, अगर ऐसा होता तो वो ट्रॉली भी करसन भाई के घर से पुलिस बरामद करती। मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, किंतु पूरा विश्वास भी है कि जैसे ही इस केस के परत उखड़ते जाएंगे, सत्य सामने आता जाएगा। मेरी शंका योर ऑनर तो यहीं से प्रारंभ होती है कि एक व्यक्ति जिसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, केवल इतनी छोटी कारण से अपने 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 बॉस की हत्या नहीं करेगा। योर ऑनर, पर आपके मुवक्किल ने तो यही धमकी दी थी मिस्टर केशव को मिस्टर पाठक, और इस बात की सबूत भी है इनकी सेक्रेटरी नताशा शर्मा। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है योर ऑनर? अब कौन सी गूगली फेंकेंगे आप मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। योर ऑनर, दर्शन भाई हमारे बहुत पुराने फैमिली मैनेजर रहे, और वो सिर्फ फैमिली मैनेजर ही नहीं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे घरेलू संबंध भी रहे। योनर, मुझे नहीं पता कि भाई ने कब और क्यों करसन भाई को नौकरी से निकाला, लेकिन करसन भाई को मैं भी बचपन से जानता हूँ। योनर, मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि भाई के मर्डर में करसन भाई का कोई हाथ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन उत्तरदायी है सत्या का? पाठक साहब, एक बात और मैं इस अदालत में कहना चाहूंगा। योनर, जिस दिन भाई का मर्डर हुआ ना, उसी दिन मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस भी गया था। भाई, मुझे गुजरात में एक पावर प्लांट डालना है, और उसके लिए मुझे सिर्फ 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। अर्नव, अभी इतने सारे पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। I promise मैं आपको ईयर एंड तक वापस करूँगा। Mr. Jagasia, you have cheated me. What? You said आप हमको $50,000 pay करेगा for one anaconda, but आपका accountant हमको $30,000 pay किया। It's not less amount, Andy. Enjoy it. अगली डील में एडजस्ट कर लेंगे। No, I need full money now. एंड इस तरह से इंडिया में आकर इतने बड़े इंडियन को धमकाना, I think stupidness है। ये ऐसा ना हो कि हमारा ये चेक भी पानी में चला जाए। You bloody cheater! I'll not spare you. जिस anaconda के लिए तुम हमको cheat किया, अब वही एनाकोंडा तुम्हारा DN करेगा। Really? See your honor, मैं गुस्से में उनको ऐसे बोल गया। I'm not the killer. Your honor, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एंडी का व्यवसाय ही सांपों को अपने वश में करना है, और विशेष रूप से एनाकोंडा सांप को अपने वश में करना। केस का आधार जो है कि एनाकोंडा सांप को अपने पिंजरे से निकाल कर अपने वश में कर उसके द्वारा
केशव जी की हत्या की गई। ऐसा है तो प्रथम शंका तो एंडी पर ही जाती है। I agree with you, Mr. Pathak, but I have no role to play in this murder. जिस रात मिस्टर जगसिया का मर्डर हुआ उस रात होल नाइट मैं होटल में था। योर ऑनर, यू कैन चेक विद द होटल अथॉरिटीज। इंस्पेक्टर पवार, आप पता कीजिए कि मिस्टर पिपकिन जो कह रहे हैं क्या वो सच है। ये अदालत आज की इस बहस के बाद इस केस के बारे में किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उम्मीद करता हूं कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अगली सुनवाई में कोई खास जानकारी के साथ आएगी ताकि इस केस का रुख तय हो सके। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। और वो कोयला क्या सॉलिड है, इतना लंबा सांप। बोले तो मतलब फुल एकदम नागराज, बोले तो एनाकोंडा। हाँ क्या बात है वरुण, कुछ 30-40 फीट का रहेगा ना। बोले तो 5-6 शमन मिलके भी ना एनाकोंडा से छोटे ही रहेंगे। ए वरुण भाई, अपनी फिरकी नहीं लेने का। तुम दोनों मस्ती कर रहे हो बैठकर। ये सोचो कि इतना बड़ा महासर्प मुंबई में कहां घूम रहा होगा। सर अगर एनाकोंडा बाहर घूम रहा होता तो जरूर किसी को दिखता। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसे छुपा कर रखा हुआ है। यही तो पूछ रहा हूं मैं वरुण, ये छुपा कर रखा है तो किसने और कहां। जगासिया के बाद कल शाम उनकी सेक्रेटरी नताशा भी उस एनाकोंडा का शिकार हुई, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसके पीछे मिस्टर पाठक के मोकिल मिस्टर कापड़िया का ही हाथ है। ये एक साजिश है जिसके निशाने मिस्टर जगासिया और नताशा दोनों थे। मिस दीक्षित, आप संभवतः ये भूल रही हैं कि उस समय करसन भाई पुलिस की हिरासत में थे। योर ऑनर, वैसे भी ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि वो एनाकोंडा करसन भाई के पास नहीं, किसी और व्यक्ति के पास है। जो उसके बताए इशारों पर चल रहा है, स्पष्ट है कि इन हत्याओं का उत्तरदायी भी वही व्यक्ति है, और वो मिस्टर कापड़िया है। योर ऑनर, बताइए मिस्टर कापड़िया, किसने दिया है आपको वो एनाकोंडा रखने के लिए? कोई दोस्त, रिश्तेदार, कौन है वो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जज साहब, जब मैंने सांप चुराया नहीं तो। कहानी बिल्कुल क्लियर है योर ऑनर। करसन भाई को केशव जगासिया ने नौकरी में से निकाल दिया, और वो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी नताशा के कहने पर किया। ऐसा आप ही ने कहा था राइट? इसलिए मिस्टर कापड़िया ने दोनों को मारने का प्लान बना दिया। Am I right, मिस्टर कापड़िया? योर ऑनर, लोग गन या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, आपने तो एक एनाकोंडा को हथियार बना दिया। और ये तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि इतने सारे लोगों में से एनाकोंडा ने मिस्टर जगासिया और नताशा को ही क्यों अपना विक्टिम बनाया। योर ऑनर, इसका रहस्य कुछ और ही है। कैसा रहस्य मिस्टर पाठक? इसे प्रकाशित करने के लिए योर ऑनर, मैं केशव जी की पत्नी लावण्या जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। लावण्या जी, इस केस में इतनी तो जानकारी है हमारे पास कि जिस रात आपके पति की हत्या हुई उस रात आप घर में उपस्थित नहीं थी, कहीं गई थी। पुलिस को आपने ये कथन में कहा है कि आप अपने माता जी के वहाँ गई थी। जी। विचित्र बात है, ऐसा लगता है कि आपको पहले से ज्ञात था कि उनकी हत्या होने वाली है, इसलिए अब अपने माता जी के यहाँ चली गई। मिस्टर पाठक, मैं अक्सर अपनी मम्मी को मिलने जाया करती हूँ। अच्छा, तो
कितने समय तक थी आप अपने माताजी के साथ? क्या घर लौटी थी आप या? मैं उसी रात अपनी मम्मी के यहाँ ही रुक गई थी। योर ऑनर, छानबीन करने से मेरे सहायक को पता चला कि लावण्या जी अपनी माताजी के घर 9 बजे के आसपास पहुंची, 11 बजे तक वहाँ थी। 11 बजे वॉचमैन ने इन्हें बाहर जाते देखा और ये फिर अपने माताजी के घर लौटी 12:30 बजे। 1.5 घंटा या उन्होंने 1.5 घंटा जी, कहाँ थी आप? जज साहब, मेरी फ्रेंड आई हुई थी कनाडा से, मैं उससे मिलने चली गई थी और फिर वापस आ गई मैं घर। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके पतिदेव की हत्या हो गई? सुबह को जब प्रणाली का फोन आया मुझे। हेलो, क्या बात है प्रणाली, तुम रो क्यों रही हो? भैया को एनाकोंडा ने मार दिया भाभी। क्या? लावण्या भाभी ठीक कह रही हैं, मैंने ही फोन करके उन्हें ये जानकारी दी थी। किंतु प्रणाली जी, आपसे जो प्रश्न था मेरा कुछ अलग था। सुना है कि जिस रात को आपके भाई साहब की हत्या हुई केशव जी की, उसकी पहली सुबह आप उनसे भेंट करने गई थी, क्यों, क्या कारण था? वो अर्नब ने मुझे केशव भाई से मिलने के लिए कहा था। हाँ ना, मैं बस निकल ही रही। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और अगर एक बहन भाई के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? बाय। एक्चुअली योर ऑनर, बचपन से ही मैं दोनों भाइयों के बीच में मीडिएटर रही। अगर अर्नब को केशव भाई से कोई भी काम होता था तो वो मुझे आगे कर देता था, और अगर केशव भाई को काम होता था तो वो हमेशा मुझे ही याद करते थे। How sweet. तो उस रात को, उस सुबह को क्या काम ऐसा था? अर्नब एक्चुअली अपना पावर प्लांट सेट करना चाहता था, जिसके लिए उसे केशव भाई से लोन की जरूरत थी, करीब 150 करोड़ रुपए। मुझे गुजरात में एक पावर प्लांट डालना है और उसके लिए मुझे सिर्फ 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रणाली जी कि आपके केशव भाई ने आपके अर्णव भाई को वो रकम देने से मना कर दिया हो? तो संभवतः। ये मिस्टर पाठक, आप क्या लगा के रखा है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कब से फैमिली मेंबर्स के पीछे लगे पड़े हैं, कुछ साबित तो हो नहीं रहा है, और कामों का कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और ना, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि मिस्टर पाठक के मुवक्किल मिस्टर कापड़िया ही असली कातिल है। अब ये 4 साल में साबित हो या 4 मिनट, सच्चाई यही है। सच कुछ और है मिस्टर किशन, वो धीरे धीरे पता चलेगा। Your Honor, मैं लावण्या जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। Your Honor, अब तक 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, केशव जी और उनकी निजी सहायिका नताशा की। मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि केवल इन दोनों व्यक्तियों की हत्या क्यों हुई, किसी और की क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? ये कहना चाहता हूँ Your Honor कि जैसा कि करसन भाई ने भी बताया था, और जब हमने केशव जी के कार्यालय में छानबीन की तो पता चला कि केशव जी और नताशा के बीच प्रेम प्राकरण चल रहा था, अफेयर चल रहा था। अब अफेयर चल रहा हो, प्रेम प्राकरण चल रहा हो, और पत्नी इस बात से अनजान रहे, जिस बात का ज्ञान सबको हो, ये तो संभव नहीं है लावण्या जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है कि आप जानती थी इस प्रेम प्राकरण के बारे में, आप छुटकारा पाना चाहती थी अपने पतिदेव से, तो कनाडा के सहेली से मिलने के बहाने आप गई केशव जी के घर और आपने उनकी हत्या की। जी नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उस रात मैं अपने घर वापस ही नहीं आई थी। मिस्टर पाठक, मैं अपनी फ्रेंड का नंबर आपको दे देती हूँ, आप खुद ही पूछताछ कीजिए, फिर उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाइए। ये सच है जज साहब कि मुझे शक था कि केशव और नताशा के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं मारा है। हाँ, काम हुआ, वेरी गुड। क्या करूं, मिस्टर पाठक को सारा सच बता दूं? Thank you.
बनिया जी मार डालेगा एनाकोंडा। पाठक जी, मैंने आज तक यही देखा है, जिस पर भी आपने शक किया उसकी जान जानी है। बज रहा है फोन, इसका अर्थ यह हुआ कि फोन कहीं ना कहीं एनाकोंडा के पेट में है, क्योंकि जब वो हमला कर रहा था लावण्या पे तो लावण्या से मेरी बात हो रही थी। तो अगर तू फोन ट्रेस कर लेता है तो एनाकोंडा में मिल जाएगा, साथ में हत्यारा भी। जैसे फोन ट्रेस होता है मुझे बता। अरे शोधा रे, ट्रेस हुआ लावण्य का? सर ये रेड डॉट। फोन लगाओ उसे जल्दी। सर स्विच ऑफ है। और ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? अरे बैटरी लो, फोन बंद हो।